जनाब लियाकत साहब, मैं आपका डेली न्यूज़ का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आज हमने इधर एक यू मेडिकल कॉलेज अब्दाबाद में एक डेथ क्लेम पे करना था, जो कि जीपी फंड के अगेंस्ट किया गया था। हमारे एक दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत का दोस्त में जगह दे, मोहम्मद शफी साहब, जो कि अकाउंट्स ब्रांच यू मेडिकल कॉलेज में सीनियर क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे, उनका जीपी फंड अदारे ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसकी 3 इंस्टॉलमेंट तकरीबन 27,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट और 3 साल उन्होंने वो इंस्टॉलमेंट पे की थी। तो कोविड-19 की वजह से महीना दो महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। आज हमने उनका 5,87,500 रुपये का डेथ क्लेम यू मेडिकल कॉलेज के डीन के हवाले किया है। जीपी फंड उनका पहले भी इन्वेस्ट हो रहा था, किसी बैंक में था या किसी और अदारे में था, तो उसके अगेंस्ट उनकी मेरे ख्याल में 25-26 साल सर्विस में 3 लाख समथिंग उनको पे किया गया है, जबकि हमारे अदारे के पास उन्होंने सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट पे की थी 27,000 रुपये की। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5,87,500 रुपये का उनकी बेवा के नाम चेक जो है वो डीन यू मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद को प्रजेंट कर दिया है। ये मैं ताहिर साहब का भी और आफिज साहब का भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन किया। मीडिया के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों के लिए, अब उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना है। अपनी जो सेविंग है उसको लाजमी 10% से 20% हमें सेविंग करनी चाहिए। एक बंदा तनख्वाह अगर 100 रुपये ले रहा है तो उसमें से वो 30 रुपये जो है अपनी ज़ात के ऊपर खर्च कर रहे हैं और बाकी जो है वो 70 रुपये जो है उसकी फैमिली की ज़रूरियात है। वो जो 30 रुपये उसके अपने ऊपर खर्च हो रहे थे वो तो उसके चले जाने के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे 70 रुपये हैं, 70% जो फैमिली को वो सपोर्ट कर रहा था, फैमिली को अब भी उनकी ज़रूरत है। तो इस दिन के लिए हमारा अदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ये लोगों को ये पैगाम देता है कि अपनी छोटी छोटी बचतें करें ताकि आने वाले वक्त में उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ हो सके। थैंक यू वेरी मच। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का इंतहाई मशहूर है, जिसमें अमित के रिप्रेजेंटेटिव ताज साहब है। इन्होंने तकरीबन आज से 3 साल पहले की है, 3 साल पहले इन्होंने हमें एक पॉलिसी कुशनास करवाई, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर हम जीपी फंड इन्वेस्ट करते हैं स्टेट लाइफ के थ्रू तो उसका बेनिफिट मुलाजिम को 2 गुना या 3 गुना सकते हैं। हमारे एक भाई हैं सीनियर क्लर्क शफी साहब, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घर के अकेले हो, कभी भी वो खुद ही थे, अकेले थे। आज इस मौके पर जिस वक्त उनके खानदान को, उनके बीवी बच्चों को, ज़ाहिर माश के जरिया माश कोई भी नया जो चीज़ें उसके लिए आज वो ज़रूरतमंद थे, और जिसमें इस मौके पर कॉपरेट किया और उनके लिए 5,85,000 था और इतना स्पीडी प्रोसेस किया। मैं बेसिकली सदर नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन स्टेट लाइफ का न्यूज़ का और खास तौर पर तालबे का भारी मुश्किल जिन्होंने हमारे इस मौके पर कि जिसमें उनके खानदान अल्लाह ने करीब का खानदान किसी उसको उनकी हेल्प आउट की, स्पीडी प्रोसेस किया और उनके चेक डेम करके आज पूरे इंतजामिया के सामने प्रेजेंट भी कर दिया।